जेपीएससी पीटी रिजल्ट रद्द करने की उठी है मांग। अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया है। जल्दबाजी में मेंस का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभ्यर्थियों ने जेपीएससी के अध्यक्ष पर संगीन आरोप लगाया है। कुछ सेंटर्स में एक ही सीरियल के अभ्यर्थी हुए हैं पास। जेपीएससी पीटी रिजल्ट को रद्द करने की मांग को लेकर जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए अभ्यर्थी पहुंच गए हैं। पीटी रिजल्ट में लातेहार, लोहरदगा और डाल्टेनगंज जिले के परीक्षा केंद्रों पर सीरियल नंबर अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों के सफल होने से अभ्यर्थी परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। जेपीएससी अभ्यर्थी इमाम सफी ने बताया है कि परीक्षा परिणाम में अनियमितता हुई है। जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने सीटों को बेच दिया है, इसलिए उन्होंने आनन फानन में मेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर एग्जाम कराना चाहते हैं। जेपीएससी में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, साथ ही सरकार हम अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी करने नहीं दे रही है। हम सभी अभ्यर्थी जेपीएससी मुख्यालय पहुंचकर आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन हमें आंदोलन करने नहीं दे रही है। बहुत ही टॉर्चर करके अभी देखिए मोराबादी में कुछ लोगों को भगा दिया गया है। अभी कुछ लोग उधर है उधर तोड़ा के भगाया गया है। अभी हम लोग को सताया जा रहा है, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग इसकी सुरक्षा करने का और आप लोगों ने हमें हिम्मत दिया है बोलने का, नहीं तो हम लोग को अभी यहाँ खड़े होने के लिए जो है प्रशासन नहीं दे रहे हैं। इस बार जो है ये आंदोलन ये मामूली आंदोलन नहीं है, लगातार जो है ये बड़ा संघर्ष है। हम लोगों को झारखंड के युवाओं को अब ठान लेना होगा, अब भीड़ नहीं भिड़ने वालों की ज़रूरत है। झारखंड में युवा उलगुलान शुरू हो गया है कल से 15 नवंबर से, और ये उलगुलान लगातार चलेगा। और जेपीएससी जेएसएससी में जो भ्रष्टाचार है, अब बताइए लगातार रोल नंबर वाले पास हो जा रहे हैं, पूरा का पूरा सेंटर को बेच दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।